जिले में ओवरलोड मोरंग लदे ट्रकों का प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही चेकिंग, वाहन के मालिकों में नहीं रहा प्रशासन का भय। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी को लेकर संयुक्त टीम ने चालान किया, 8 मोरंग लदे ओवरलोड वाहनों का किया गया चालान, ट्रक मालिकों में मचा हड़कंप। फतेहपुर से यह खबर सामने आ रही है, हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला। जिले में ओवरलोड मोरंग लदे ट्रकों का आवागमन जारी, प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही चेकिंग, वाहन के मालिकों में नहीं रहा प्रशासन का भय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची रायबरेली, बड़ी खबर सामने आ रही है, स्मृति ईरानी केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली पहुंचे। प्रगतिपुरम में ईएसआईसी अस्पताल का किया उद्घाटन, कलेक्ट्रेट के बचत भवन में होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची रायबरेली, स्मृति ईरानी केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली पहुंचे प्रगतिपुरम ईएसआईसी अस्पताल का किया गया उद्घाटन, कलेक्ट्रेट के बचत भवन में होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची रायबरेली, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, स्मृति ईरानी केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी पहुंचे प्रगतिपुरम में ईएसआईसी अस्पताल का किया उद्घाटन, जनता को दी बड़ी सौगात, कलेक्ट्रेट के बचत भवन में होगी बैठक। और इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जिस तरह से स्मृति ईरानी रायबरेली आई हैं, क्या सौगात दी उन्होंने रायबरेली आते ही? राज्य बीमा कर्मचारियों के लिए जो असंगठित क्षेत्र के कामगार थे उनके लिए ईएसआईसी जो हॉस्पिटल जो 1978 से किराए के बिल्डिंग में चल रहा था, आज जो है स्मृति ईरानी ने उस भवन का उद्घाटन किया है। और निश्चित ये रायबरेली के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि उन कामगारों को इलाज के लिए एक अपना अस्पताल बन गया है। कलेक्ट्रेट के बचत भवन में जो बैठक होने वाली है उसमें किन चीजों पे चर्चा की जा सकती है? हाँ, की बैठक होती थी जो 44 महीने बाद हो रही है। पहली बार जो है स्मृति ईरानी आज जो है कलेक्ट्रेट भवन में, अब से ठीक 15 से 20 मिनट के बाद वो बैठक चालू हो जाएगी। जी ओम शंकर जी, केंद्रीय मंत्री के साथ साथ और कौन कौन मौजूद है? सब मंत्रालय के राज्य मंत्री जो है, आसाम से सांसद है रामेश्वर तेली जी है, वो है एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह थे और उनके साथ कई गणमान्य लोग थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। उन्नाव की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे, घायल को सीएचसी में नहीं मिला स्ट्रेचर, जानवरों की तरह टांग कर अस्पताल ले गए मददगार, हाथ पैर से पकड़कर टांग कर ले गए अस्पताल, स्ट्रेचर के इंतजार में काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा घायल। सीएचसी हसनगंज में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे, उन्नाव से खबर सामने आ रही है जहां स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हैं, घायल को सीएचसी में नहीं मिला स्ट्रेचर, तस्वीरें आई सामने, जानवरों की तरह टांग कर अस्पताल ले गए मददगार, हाथ पैर से पकड़कर टांग के ले गए अस्पताल, तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा रहा है। उन्नाव की तस्वीर सामने आई है, सीएचसी हसनगंज में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही है, तस्वीरें देख सकते हैं आप उन्नाव की, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल है, घायल को सीएचसी में नहीं मिला स्ट्रेचर, जानवरों की तरह उसे अस्पताल में लेके गए मददगार, देख सकते हैं हाथ पर पकड़ के किस तरह से टांग कर अस्पताल ले जा रहे हैं मददगार, स्ट्रेचर का इंतजाम नहीं है, इंतजार करते करते काफी देर तक जमीन पे पड़ा रहा घायल। सीएचसी हसनगंज का मामला है, उन्नाव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आ रही हैं, घायल को स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जानवरों की तरह टांग कर अस्पताल ले गए मददगार, हाथ पैर से पकड़कर टांग कर लेके जा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं उन्नाव से। चैतन्य, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं देखने को मिल रही है उन्नाव में? जैसा मैम आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग से धड़ाम हो चुकी है, सीएचसी हसनगंज की ये पूरा मामला है जहां अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद घायल हुए युवक को राहगीर ले गया था, वहां पे राहगीर को जो घायल हुआ था उसको अस्पताल तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि एक स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से धड़ाम हो चुकी है। जी
चैतन्य, एक स्ट्रेचर तक तो मुहैया करा नहीं पा रहा है स्वास्थ्य विभाग, बाकी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है अस्पताल में। लगातार सीएससी हसनगंज सीएससी को लेकर तमाम सवाल उठते आए हैं, कई बार वहां के ग्रामीणों ने भी जो है विरोध जताया है कि इस तरीके से सीएससी हसनगंज में अगर सुविधाएं नहीं मिल पाती तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं, कितनी दूर मुख्यालय जाना पड़ता है उनको सेवाओं के लिए, जिस वजह से कई बार ग्रामीणों ने भी आवाज उठाई है। और ये आज साफ तौर पर देखा गया सीएससी हसनगंज में जब घायल होता है युवक तो वहाँ एक स्ट्रेचर तक नहीं मुहैया कराया जा पा रहा है और मरीज को जो है स्ट्रेचर की जगह लोग पकड़ के स्वयं जो है उसको अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। जी जी चैतन्य, क्या आपने जिम्मेदारों से बात की, उनका क्या कहना है इस पे? जिम्मेदारों का साफ तौर पे कहना है कि अगर भविष्य में अगर इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जांच का विषय है, जो भी वहाँ पे जिन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है उन पे कार्रवाई तय की जाएगी। जी चैतन्य, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये बेसिक चीजें हैं जैसे स्ट्रेचर मुहैया कराना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, इसका जिम्मा किसका होता है? अगर यहाँ पे कमी पाई जा रही है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? पूरा साफ तौर पर निगरानी सीएमओ को करनी होती है कि समय समय पर वो सीएससी के निरीक्षण करते रहे, चिकित्सा प्रभारी को समय समय पर अवगत कराते रहे कि वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, और जो कि कहीं ना कहीं अगर ये लापरवाही देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों द्वारा देखी जा रही है कि उनको वो समय पे वहाँ पे नहीं गए और जिस वजह से आज लापरवाही सामने आ रही है। जी जी बिल्कुल, जांच का तो विषय है ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ चैतन्य जुड़े थे उन्नाव से संवाददाता।